ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अब बेदखल किए जाएंगे। 29 दिसंबर की तारीख बिहार की राजनीति में सबसे अहम होने वाली है। नीतीश कुमार खुद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार कहां के रहेंगे, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या बचेगी, कितनी राजनीति वो बिहार में कर पाएंगे। देखिए, बिहार की राजनीति से बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। 29 दिसंबर की तारीख बिहार की राजनीति में सबसे अहम होने वाली है। साल का अंत है, नया साल आने जा रहा है और इसमें कई राजनीतिक बदलाव, साल के साथ राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हां, कल 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होती है, 3 घंटे की मैराथन बैठक चलती है। दिल्ली के अशोका होटल में 28 दल में 27 दल जो मौजूद रहते हैं उनके नेता ये फैसला लेते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। नीतीश कुमार तमतमाए हुए कमरे से बाहर निकलते हैं, लालू प्रसाद यादव भी तमतमाए हुए कमरे से बाहर निकलते हैं। दोनों नेता अगल बगल बैठते हैं लेकिन आंख तक एक दूसरे से नहीं मिलाते हैं, जिसके बाद ये खबर उठने लगी कि क्या महागठबंधन में बड़ी टूट होने जा रही है, जिस पर अब मुहर लगते हुए दिख रही है। जी हां, आपको बता दें कि 29 दिसंबर को जदयू जो है उसकी पहले से निर्धारित कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी थी, लेकिन अब उसके साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होने जा रही है और इस बात का अनाउंसमेंट घोषणा हो चुका है। आप समझिए इसके राजनीतिक मायने क्या निकलेंगे। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 29 दिसंबर को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे। जी हां, ललन सिंह का पत्ता कट चुका है, महज 9 दिन बचे हुए हैं। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अब बेदखल किए जाएंगे और जो खबरें अब तक आई हैं हम तक वो यही है कि नीतीश कुमार खुद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार, इस पर आप सोचिए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट की खबर है कि जिस तरीके से तानातानी आरजेडी और जेडीयू के बीच चल रही है, महज 8 विधायकों की दूरी पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं बिहार की सत्ता से। 8 विधायक अगर तेजस्वी को समर्थन कर दें तो तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे और खबरें आ रही हैं कि जदयू में बड़ी टूट होने वाली है। वो टूट कौन कराएगा, कैसे होगी, क्या उसका रूपरेखा होगा, क्या पटकथा लिखी जाएगी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर वो टूट होती है तो फिर नीतीश कुमार कहां के रहेंगे, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या बचेगी, कितनी राजनीति वो बिहार में कर पाएंगे। उससे बचने के लिए नीतीश कुमार 29 दिसंबर को एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, पार्टी की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से टूटकर अलग भी हो सकते हैं। देखिए, जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ अब राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुलाई गई है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। बता दें आपको, जेडीयू के पार्टी संविधान के मुताबिक किसी भी बड़े फैसले को राष्ट्रीय परिषद से मुहर लगवाई जाती है। जेडीयू के एक नेता ने बताया कि 29 दिसंबर को दिल्ली में पहले राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पहले कोई बड़ा फैसला ले लिया जाएगा और उस पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लगवाई जाएगी। तो आप समझिए कि जदयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, जदयू महागठबंधन से बाहर होने जा रही है। कई बड़ी खबरें इस साल के अंत तक चौंकाने वाली खबरें निकलकर सामने आ सकती हैं। इंतजार कीजिए अगले 7 दिनों का, 8 दिनों का, बहुत से बहुत 10 दिनों का। 10 दिनों के अंदर, अगले 10 दिनों के अंदर आपका इंतजार खत्म होगा। बिहार में बड़ा परिवर्तन, जदयू के अंदर नेतृत्व परिवर्तन, बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जो भी अपडेट होगा आप बने रहिएगा तब बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम अदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।